तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पंजाब नेशनल बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा लीडिंग बैंक है, और अगर आप लोगों को भी पंजाब नेशनल बैंक में खुद का खाता खुलवाना है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट खुलवा रखा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एक और अकाउंट होता है जिसको आप करंट अकाउंट के नाम से जानते हो, उसको आप हिंदी में चालू खाता भी कहते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इस अकाउंट का क्या यूज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये अकाउंट होना भी चाहिए, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये अकाउंट किसी भी तरीके से होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ नियम, क्योंकि आपके पास ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो करंट अकाउंट का होना ज़रूरी है। और इस चीज़ को आप बैंक्स में भी जाकर जरूर पता कर सकते हो कभी ना कभी कि अगर आप एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, एक अच्छे खासे सस्टेन बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपके पास कौन सा अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट। खैर, इस वीडियो पे आएंगे तो आज आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग्स अकाउंट तो खैर सबने खोलना सीख ही लिया है, ओपन ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट यानी चालू खाता के बारे में कि आप चालू खाता कैसे खोल सकते हो, जो कि आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा और काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ आपको बेहतरीन इसके अंदर चीज़ें मिलेगी जिसको आप अपने जो है बिजनेस को और ज़्यादा बूस्ट करने में आगे तक ले जा सकते हो, और उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलने वाली है। तो करंट अकाउंट को खोलना कैसे है और कौन से करंट अकाउंट को आज हम खोलने वाले हैं जो कि सभी के यूज में आए, जो कि सभी जनरल कैटेगरी वालों के लिए ज्यादा एक्सपेंस भी ना पड़े और उनके लिए अकाउंट काफी बेहतरीन भी साबित हो, तो इस चीज को जानने के लिए एंड तक वीडियो को वॉच करना, और कहीं भी स्किप किया तो हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्टेप छूट जाए अकाउंट ओपनिंग करने का, तो इसमें आपका ही लॉस होगा। तो बिल्कुल यहां पर कोई भी चीज स्किप मत करना, और साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, क्योंकि लोन पाओ इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे कमाल की वीडियो देखने मिलती रहती है। तो लोन पाओ के इस वीडियो को सबसे पहले आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और आप लोग पंजाब नेशनल बैंक में अगर करंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो उसका रीजन क्या है, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी रोजाना वीडियोस देखने के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं बहुत ही कमाल के स्टेप्स प्रोसेस को, जो कि मैं बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। यहां पे मैं ऑनलाइन की गारंटी नहीं लूंगा कि यहां पे आपका अकाउंट ऑनलाइन ही खुल जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल सेविंग्स अकाउंट के लिए जो है फिलहाल जो ओपन ऑनलाइन का सिस्टम मैंने जहां तक देखा हुआ है वो भी मैंने अभी तक खुद से नहीं किया, क्योंकि जब मैं करूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन हाँ ऑनलाइन के लिए तो बेसिकली बताया जाता है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग हो सकता है, बट करंट अकाउंट की अगर बात कर रहे हैं तो हम इसको ऑफलाइन ओपन करने की बात करेंगे कि आप लोग कैसे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 90-100% चीज़ें आपके फ़ोन से ही हो जाएगी और सारी चीज़ें हम फोन से ऑपरेट करेंगे, बाकी कुछ परसेंट काम आपको ब्रांच पे आके करना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो करना क्या है स्टेप समझ लो, ये वीडियो वॉच कर रहे हो, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल में जैसे क्लिक करोगे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक जो कि loanpower.in करके है, तो सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे पहुंचने के साथ ही अब आपको क्या करना होगा बहुत नॉर्मल है, सबसे पहले तो आपको जो है इस पूरी वेबसाइट को अच्छी तरीके से ओपन होने देना है, देन यहाँ पे आपको जो है मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, जिसके अंदर आपको मिलेगी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आपको सिंपली जो है बैंकिंग का ऑप्शन भी है और बैंक लोन का भी ऑप्शन है, तो आपको बैंकिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा जस्ट बिकॉज ये डिपॉजिट अकाउंट में से एक में आता है, तो आपको बैंकिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा। बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सारे ओपन हो जाएंगे, जिसके अंदर डिपॉजिट अकाउंट्स के भी ऑप्शन आएंगे और लोन प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसके स्क्रॉल करोगे तो आपको काफ़ी टाइम जाएगा, तो आपको दोबारा मेन्यू बार पे जाके और अब की बार आपको सर्च का इस्तेमाल कर लेना है, यहाँ जाके आपको नॉर्मली कीवर्ड सर्च करना है पंजाब नेशनल बैंक, और उसके आगे जो है आप करंट डाल के सर्च कर सकते हो पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि आपको PNB करंट अकाउंट ओपन करना है तो पंजाब नेशनल बैंक करंट डाल के आपको सिंपली नॉर्मल से सर्च करना है। सर्च कर लोगे तो आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड आर्टिकल, जो कि अभी आप थोड़ी देर में देख पाओगे, जो कि आ चुका है आप लोगों के सामने। तो जब ये आर्टिकल देखने को मिल जाए तो आर्टिकल या रीड मोर के ऑप्शन किसी पे भी आप जब टैप करोगे तो आपके सामने ये आर्टिकल खुल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि सेविंग्स अकाउंट के बारे में सबको पता होता है बट नॉट इवन करंट अकाउंट, तो इसका कारण क्या है? देखो करंट अकाउंट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता होने का एक रीज़न ये भी नहीं है, क्योंकि देखो सभी एक चीज़ होता है ना कि वर्ड क्या कहते हैं कि उसको जो माउथ के थ्रू जो पॉपुलैरिटी बढ़ती है वो सेविंग्स अकाउंट की होती है, और जीरो बैलेंस में कई बार अकाउंट खुल जाता है तो लोग अपना पैसा भी नहीं डालते और सिंपली उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा, दिक्कत क्या है? लेकिन जब करंट अकाउंट ओपन करवाना जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और ये ज़रूरी भी है ताकि आप जो है आपका जो ये जो बैंक है वो टोटल आपका जो अकाउंट है वो शो कर सके इस बैंक को कि आप एक्टिव स्टेटस में हो, क्योंकि अगर आपने सारे पैसे निकाल ही लिए तो यहाँ पे आपको प्लेंटी भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप एक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, क्योंकि बिजनेस के केस में काफ़ी हद तक यूज़ में आता है। तो यहाँ पे दो लोग होंगे जिनको सबसे पहले तो जानकारी चाहिए या जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है इसके बारे में पढ़ सकते हो, और जो भी डाउट है जो कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट का जो कंपैरिजन करते हैं, अगर ये कंपैरिजन भी आपको देखना है तो ये भी देख सकते हो, बाकी जिनको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग से मतलब है तो यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इस पर सिंपल आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे सीधा पहुंच जाओगे पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये करंट अकाउंट के फिलहाल वेबसाइट पे हो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के करंट अकाउंट मिलेंगे, जैसे MCA वाले हैं, PNB स्मार्ट बैंकिंग है, जनरल अकाउंट है, हम लोग जो है इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि जनरल अकाउंट स्कीम फॉर पब्लिक, क्योंकि ये हम लोग सभी के ध्यान रखे करने वाले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है किस अकाउंट को ओपन कराएंगे जिसमें आपको फायदा हो, तो हम जनरल करंट अकाउंट के ऊपर बात करेंगे, बाकी PNB एस्क्रोरेरा भी है, PNB ट्विन CA और SF फंड भी, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो हमें जिस तरफ जाना है यानी
हमें इसकी तरफ आगे बढ़ना है तो हम इसके रीड मोर के ऑप्शन या इसकी तरफ आगे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नॉर्मली यहाँ पे जो है कंटेंट है खुल जाएगा। हालांकि इसके अंदर हमें एलिजिबिलिटी बताई गई है, तो एक चीज़ है कि जिनका बिजनेस है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस वाले तो सबका ही नाम है, जैसे जॉइंट अकाउंट, सोल प्रोपराइटर, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, HUF कंपनीज, पर जो इंडिविजुअल है वो भी खुलवा सकता है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे अब बात करते हैं कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। क्वार्टरली आपको पता होगा शायद 4 महीने के हिसाब से बोला जाता है, तो यहाँ पे जो अगर आप रूरल एरिया से हो तो 1000 रुपये, सेमी अर्बन इलाके से हो तो 2000, अर्बन से हो तो 5000, या मेट्रो सिटीज से हो तो 10000 रुपये आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। क्वार्टरली मेरे हिसाब से देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 4 महीने के हिसाब से होता है, एक बार मैं आपको बता दूँ कन्फर्म करके, रुको। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म कर लिया, यहाँ पे जो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो हर 3 महीने के लिए बेसिकली बताया जा रहा है, त्रैमासिक के लिए ऐसा कुछ बताया जा रहा है। 3 महीने में आपको जो है 3 महीने के अंदर बेसिकली ये देखा जाएगा कि आपने बैलेंस को मेंटेन किया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको 10,000 तक का मिनिमम मेट्रो सिटीज़ वालों के लिए जो है यहाँ पे दिखाया गया है, और ये चीज़ जो है डिफर करती रहती है, ये बदलता भी रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो क्वार्टरली वाली चीज़ समझ जाना। बाकी अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपके पास सिंपली तरीके से बता दूँ कि यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि देख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिमन सिग्नेचर, यानी आपके खुद के आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, फोटोज होनी चाहिए, और साथ ही में इन केस ऑफ कंपनी मेमोरेंडम, ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बाकी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और मतलब जो आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ होनी चाहिए। बाकी नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, और एडिशनल फीचर भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ कि यहाँ पे ऑनलाइन का तो फिलहाल मुझे शो नहीं कर रहा है, अगर आपको शो करे तो जरूर बताना। बट फिलहाल हम अगर यहाँ पे मेन्यू पे भी जाते हैं और यहाँ पे ई सर्विस जो कि ऑनलाइन के लिए होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग का नहीं है। बाकी प्रोडक्ट्स की देखें तो यहाँ पे जो है पर्सनल के अंदर डिपॉजिट के अंदर हमें जो है डिपॉजिट सेक्शंस के अंदर जो है आपको सेविंग फंड, करंट अकाउंट का ऑप्शन है, बट यहाँ पे केस में ऑनलाइन का नहीं है। तो जहाँ तक तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑनलाइन का होगा भी, तो शायद अभी इस चीज़ को पब्लिक नहीं किया गया है। तो अगर आप में से जिसको किसी को पता है कि ऑनलाइन यहाँ पे हो सकता है तो ज़रूर कमेंट करना, मैं इसके ऊपर अलग भी डेडिकेट बनाऊंगा। बट फिलहाल अभी के लिए जहाँ तक बात करते हैं इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो इसको कम करेंगे कंप्लीट पूरी तरीके से इसके एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, जो कि हमें यही पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट से मिलेगा, और इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुकी है मोबाइल स्क्रीन पे, और इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसको फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिस भी आपको पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सी करेंट अकाउंट वाले ऑप्शन पर टिक मार्क करना होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड से शुरू करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम, एड्रेस, नाम वगैरह डालना होगा। देन यहाँ पे आपको जो है थर्ड में आपको जॉइंट का होल्डर का नाम है वो डालना है। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन में सेल्फ डाल सकते हो या फिर कोई जॉइंट में तो उसका नाम भी। बाकी नॉमिनेशन में किसी का नाम रखा है तो वो आपको डाल देना है। देन यहाँ पे और नीचे बढ़ोगे तो अकाउंट नंबर और कस्टमर ATM वो सब चीज़ें बताना है कि अकाउंट नंबर बेसिकली जो भी है इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। बाकी इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बताना होगा। देन नीचे जब आओगे तो यहाँ पे मेन स्पेसिमेन सिग्नेचर आता है, जहाँ पे आपको अपने फोटोज़ और सिग्नेचर को यहाँ पे इनपुट करना होगा, और ये नीचे वाला सेक्शन छोड़ देना ब्रांचेस के लिए ही है। इसके बाद आते हो यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म के लिए, अगर किसी को नॉमिनेट करना चाहते हो अपने अपने अकाउंट के लिए तो उसका नाम डिटेल से कुछ भर देना है। देन लास्ट में आता है कस्टमर मास्टर फॉर्म, इसको फिलअप करके अच्छे तरीके से जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई उसकी डिटेल्स को आपको अच्छे तरीके से फिलअप करके, और जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हो डॉक्यूमेंट्स को साथ ही में आपको अटैच्ड कर देना है। ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी होगी, तभी इसके बिहाफ पे जो है आप लोगों का अकाउंट ओपनिंग बहुत ही आसानी से करंट अकाउंट ओपन होगा। और ध्यान रहे जो आपका अमाउंट है यहाँ पे फिलहाल वो 10,000 रुपीज़ है क्वार्टरली के हिसाब से, या त्रैमासिक 3 महीने के हिसाब से जो भी है, तो देख लेना क्वार्टरली के हिसाब से बताया जा रहा है। तो इसको मेंटेन करना होगा मिनिमम 10,000, तो आप जो डिपॉजिट भी करोगे वो 20,000 से ज़्यादा या फिर 10,000 से ज़्यादा का करना, ताकि आपके जो ये मैनेजमेंट वाले बैलेंस है वो अलग रहे और जो आपका मेन अमाउंट है वो अलग रहे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता सकते हो। साथ ही में आप ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कोई अगर डाउट वाली चीज़ है वो भी पूछ सकते हो। बाकी अभी तक आप लोगों ने जो है लोन पहुँचना सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में।